एक महीने पहले चीन ने अपने 56 लड़ाकू और परमाणु बम वर्षक विमानों को ताइवान भेजकर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ का उल्लंघन किया था। 7 नवंबर को आई यूनाइटेड स्टेट्स नेवल इंस्टीट्यूट यानी USNI न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने अब शिनजियांग रेगिस्तान में अमेरिकी सुपर कैरियर और विध्वंसक के साइज के मिसाइल टारगेट बनाए हैं। ऐसा लग रहा है कि चीन अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से चीनी हमले के खिलाफ ताइवान की रक्षा करने का ऐलान किया है। वहीं अब नए मॉकअप टारगेट ताइवान को चीन के मुख्य भूभाग से जोड़ने की PLA की नापाक साजिश को दिखा रहे हैं। हालांकि नकली टारगेट चीन की नई चाल भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि चीन इनके जरिए गलत सूचना देना चाहता हो। लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह साफ कर दिया है कि चीन किसी भी कीमत पर ताइवान को अपने साथ करने के मूल हित को नहीं छोड़ने वाला है। खबर के मुताबिक चीनी सेना अमेरिकी विमानवाहक और बाकी युद्ध पोतों के आकार की संरचनाओं पर अभ्यास कर रही है। इस परिसर का निर्माण दक्षिण पश्चिम शिनजियांग प्रांत के तकलामाकन रेगिस्तान में किया गया है। सैटेलाइट इमेजरी कंपनी मैक्सार द्वारा मुहैया कराई गई तस्वीरों के आधार पर न्यूज आउटलेट ने यह खबर दी है। USNI ने बताया कि 2 अर्ले बर्ग क्लास के विध्वंसक भी इस टारगेट रेंज का हिस्सा हैं। ये इलाका एक पूर्व टारगेट जोन के पास मौजूद है, जहां चीन अपने DF-21D और DF-26R बैलिस्टिक मिसाइलों के शुरुआती वर्जन का टेस्ट करता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जगह पर उन्नत हथियारों से निशाना लगाया जा रहा है। हालांकि टारगेट में अमेरिकी युद्ध पोतों का खास विवरण नहीं था, ये सिर्फ विमान वाहक की तरह थे और इनका निर्माण धातु से नहीं किया गया था। लेकिन तस्वीरों से पता चलता है कि ये नौसैनिक जहाज ही हैं। 9 अक्टूबर को मैक्सार ने जो तस्वीरें ली उनमें से एक व्यापक उपकरण के साथ 75 मीटर लंबा टारगेट दिखाती है। USNI ने बताया कि इस फैसिलिटी में व्यापक रूप से मौजूद रेल सिस्टम भी है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि उन्हें इन तस्वीरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।